यूट्यूब चैनल डेली यात्रा व्लॉग से जुड़े हुए सभी परिजनों को प्रेम भरी जय माता दी के साथ मैं सोमराज शर्मा नई ताज़ा मौसम एवं यात्राओं से जुड़ी जानकारियों का विवरण लेकर आप सब के लिए एक बार फिर से साथियों उपस्थित हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल डेली यात्रा व्लॉग के माध्यम से विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में प्राथमिक जानकारियों के साथ साथ मैं जिस ज़िले से संबंध रखता हूं उस ज़िले का नाम है साथियों रियासी। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा ज़िला जिस ज़िले में देश के अलग अलग राज्यों से प्रत्येक दिन हज़ारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। इसका मुख्य कारण है इस ज़िले में माँ वैष्णो देवी के साथ साथ शिवकुड़ी यात्रा एवं अन्य धार्मिक स्थल इसी ज़िले में हैं और अब तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल भी इसी ज़िले में कुछ ही महीनों में बनने जा रहा है। खैर साथियों, अब बात कर लेते हैं माँ वैष्णो देवी यात्रा का ताज़ा अपडेट। मिली जानकारी के अनुसार बीते कल लगभग 11,000 श्रद्धालुओं ने माँ वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई है। मैं ये जानकारी एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ साथियों, मिली जानकारी के अनुसार बीते कल लगभग 11,000 श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। यात्रा की संख्या में कमी देखने को मिल रही है जिसके चलते वर्तमान में श्रद्धालु रात्रि के समय प्राचीन गुफा के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। देश विदेश से आने वाले भक्त परिवार संग माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार निरंतर कर रहे हैं। वहीं यात्रा मार्ग पर घोड़ा पिट्ठू पालकी एवं अर्धकुंवारी से चलने वाली भवन तक बैटरी कार सुविधा के साथ साथ भवन से भैरव घाटी तक चलने वाली सुविधा रोप वे श्रद्धालुओं के लिए भी उपलब्ध रही है। वहीं हेलीकॉप्टर की सेवा भी श्रद्धालुओं के लिए कटरा से लेकर शांजी शतक तक उपलब्ध रही है। अब बात कर लेते हैं ताज़ा मौसम के संबंधित। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से ताज़ा अपडेट आगामी 11 तारीख तक जारी कर दिया गया है। ठंड के नज़ारों के साथ साथ हल्की बारिश जम्मू संभाग में होने के संकेत दिए गए हैं। आगामी 2 दिन तक आसमान पर बादल छाए रहेंगे। वहीं कश्मीर घाटी में जाने वाले पर्यटकों को भी कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी फिर से देखने को मिल सकती है। आप सबसे आग्रह है साथियों, यूट्यूब चैनल डेली यात्रा व्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिल सकें सही समय के साथ सही जानकारियां सबसे तेज और सबसे पहले। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज डेली यात्रा व्लॉग्स को फॉलो करें। साथ साथ में आप लोग चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग संदेश कर सकते हैं। इन्हीं कुछ जानकारियों के साथ साथ साथियों आज के लिए मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन चलते चलते माँ भगवती से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ वैष्णो देवी हम सभी बच्चों को हमेशा सुख शांति उन्नति वृद्धि समृद्धि के साथ हम सब का जीवन जो है हमेशा खुशियों से गतिमान रहे। साथियों जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। शीतल हवाएं हैं, कहीं ठंडी गुफाएं हैं, कहीं शीतल हवाएं हैं, भवन के खुशबुओं से मां